हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है रात की लगभग 7:30 बजे के करीब, और आज है हमारे उत्तराखंड में मतलब छोटी दिवाली बोलते हैं, तो आज है छोटी दिवाली। तो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, हमारे यहाँ 2 दिन दिवाली मनाई जाती है, एक आज और एक कल मनाई जाएगी। तो किस तरह से हमारे उत्तराखंड में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है, आज मैं वही आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा। खूब बाहर लाइट लगी हुई है, घर इतने शानदार लग रहे ना, तो मैं नाइट व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहेगा। तो मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, तो चलिए मेरे साथ और बाहर देख के आते हैं किस तरह से सभी के घर चमचमा रहे हैं, चमचमा रहे हैं। तो अभी मैं छत में आ गई हूँ और छत से ही आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगी, तो आप लोग देखेगा इतना शानदार लग रहा है। तो दोस्तों, ये है देहरादून का नजारा, इतनी लाइटिंग लगी हुई है घरों में, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं घर। और ये ऐसे कैमरा घुमाऊंगी तो इस तरफ के लिए भी काफ़ी घर हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से लाइटिंग लगी हुई है, और घर इतने चमचमा रहे हैं ना। आज आगे का एरिया है और पीछे घुमाऊंगी तो इस तरफ पीछे के लिए है, पीछे भी इतनी सारी लाइटिंगें लगी हुई है ना, वाओ, लाइट चम 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 कर रही है। थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करूंगी, ये जो बड़ा सा दिख रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। ये मैं छत से ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। जूम भी कर थोड़ा, लाइटें काफ़ी शानदार लग रही हैं, और ये जो पूरा लाइट लगाया हुआ है तो हमारे मकान मालिक और उन्हें लगाया हुआ है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, हर जगह आज दीपावली बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा होगा, लेकिन हम लोगों का तो दीपावली नहीं है, क्योंकि मेरी जो बड़ी सास हैं उनका डेथ हुआ था, तो उस चक्कर में हमको एक साल तक मतलब जो भी त्यौहार आएंगे उनको एक एक छोड़ना ही पड़ता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, तो आज ना जो हमारे मकान के ओनर है ना, उन्होंने, मेरी दोस्त हैं, तो उन्होंने मतलब खाने पे हमें इनवाइट किया हुआ है, तो उधर जाएंगे थोड़ी देर में, खाना खा के आएंगे दीपावली के उपलक्ष्य में। और हमारे इधर, हमारे उत्तराखंड में पूरी पकौड़ी ये चीज़ें बनाई जाती हैं दीपावली के दिन, तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। तो चलते हैं और खा के आते हैं। तो दोस्तों, अभी मिंटी मम्मी का फ़ोन आ गया है, तो अभी हम लोग अन्नू और मैं जा रहे हैं, प्रियांशु तो नहीं आ रहा है बोला। अभी इन लोगों ने थोड़ी देर पहले चाउमीन भी खाया, लेकिन अन्नू अन्नू आ, मैं अभी तक यहाँ पे बैठी हुई थी और सुपर 30 मूवी देख रही थी। तो सुपर 30 मूवी जिसने भी नहीं देखी है जाके देखो, इतनी अच्छी है ना, मतलब 2021 की है, वो पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी है। आ जा रहे, चलते हैं, ये पकड़ ले फॉर मी। ये भी जा रहा है मेरे साथ, ज्यादा दूर नहीं, नीचे नहीं है, हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मिंटी औरों के घर में, और मिंटी की मम्मी लगी हुई है यहाँ पे किचन में, क्या बन रहा भाई दीपावली के उपलक्ष्य में स्पेशल?
तो यहाँ पे बन चुका है स्वाले मिट्टी पकोड़े स्वाले पकोड़े माँ, यानी मिसाल पूरी और पकोड़ी। अब बेचारे मैंने फोन, मैंने बोला था ना मेरे को फोन करना, मैं आ जाऊंगी हेल्प करने के लिए। आप भी खा लो गाइस। आप भी खा लो गाइस, आप भी खा लो। अनु बाहर में बैठा है, प्रियांशु प्रियांशु नहीं आ रहा बोला। सच में क्यों? आप क्यों, एक दो ऊपर ही दे देना उसको। तो दोस्तों दीपावली के दिन हमारे इधर ये पूरी पकोड़ी बन, यहाँ पे अचार भी रखा हुआ है, दही रखा हुआ है और चाय भी बना रहे थे लेकिन मैंने चाय के लिए मना कर दिया है। और यहाँ पे हेलो, खूब दीपावली मना रहे हैं। अयांश हाय, से हाय। मेरे को बुला रही है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। अनुराग बोल रहा है सुपर सुपर टेस्टी। आप जलाए ना मिंटी मम्मी ने लाइट चमाचम। स्टार्ट कर दिया मैंने। तो अभी हमने खाना पीना खा लिया है, बहुत ही टेस्टी। तो बाद में बोल यार, रुक जा। ओह माय गॉड, ला यार वो दही का कटोरी भी इधर ही। तो दोस्तों अभी पूरी और पकौड़ी भी खा लिया है और मिंटी मम्मी ने इतना टेस्टी पूरी और पकौड़ी बनाए थे, मस्त। और अन्नू और मैंने तो खा लिया है और मिंटी मम्मी अभी बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। बेचारा थक गए, लाल हो रखा मुंह। कितने बजे से लगे थे? मैं 6 बजे से बनाने बैठ गए थे और काफी लोगों को मतलब इधर उधर भी देना पड़ता है। पैणा क्या बोलते, पैणा पैणा वो भी देना पड़ता है, जिनकी दिवाली नहीं होती है उनको देना पड़ता है। ये हमारी मिंटू, मिंटू चिंटू, ये है मिंटू की मम्मी और ये है अनुराग बासु। तो अभी तूने नहीं खाया ना, तू क्यों नहीं खाई फिर? हमारे साथ खाना था तूने। तो चलिए दोस्तों, हमारा खाना पीना हो गया है और छोटा सा मिनी सा ब्लॉग बनाया है मैंने। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो एक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।